देखो मैं सियासतदान नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ और आपके भाई के नाते आया। बहुत बढ़िया, जो मैं बात यहाँ करूँगा अगर पूरी हुई तो मुझे आने का या दोबारा मिलने का हक है, नहीं तो मैं मुँह नहीं दिखाऊँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सिर्फ पूरा मशवरा करके, कूल डाउन होके, सलाह करके बिल्कुल देना पड़ेगा। हर समाज से सांसद है और यहाँ धरने में हमारे साथ बैठना पड़ेगा। अगर वाल्मीकि खून है तो यहाँ बैठना पड़ेगा हमारे साथ में, दिन रात बैठे। अगर वाल्मीकियों के लिए दर्द है तो पद जरूरी नहीं है, समाज जरूरी है। अगर समाज का, अरे छोड़े समाज का खून पसंद है, थोड़ा पीछे हटो। अरे जैक्सन जी है विधायक साहब, आओ छप छप, थोड़े पीछे हो जाओ, आओ छप को। अरे लियाओ सुशील जी को, कुछ नहीं किया होना। और संदीप, संदीप, संदीप चीफ व्हिप साहब आए हैं, चीफ व्हिप साहब आए हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, आओ सर, आओ। एमपी साहब जी हमारे, आप भी जाओ। मैं तो यहीं आ रहा हूँ, मैं थारे में रह लूँ। चौकस थोड़ा उधर के नहीं ओ विकास, चीफ साहब है इंडिया के। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। छोटे से एमपी, एमएलए, सांसद, मंत्री बन जाते हैं, दलित समाज का ही भूल जाओ। भैया सुन ली, सुन ली, डट जा भाई, डट जा, बात कर रहे यार, डट जा, मुझे मत समझा, डट जा भाई, मुझे समझा रहा है यार, क्यों ऐसी बात कर रहा है। अरे भाई, भाई साहब, सर जी, ये अमेंडमेंट कर चुकी है कि कोर्ट बनेगा एससीएसटी के लिए 2016 से लेके, जल्दी भाई उसके अंदर मंत्री रहा, 2016 में समझ का मंत्री था, उसके बावजूद कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं है और पूरे भारत में कोर्ट नहीं बनी। 2016 से लेके 2021 आ गए, अभी तक कोर्ट नहीं बनी है। और किशोर साहब का ध्यान रखियो, मैं खड़ा हूँ, आप खड़ा आप बैठ जाओ ना, एक मिनट भाई साहब, भाई समाज के नाते से आए हैं, पहले आप इनकी तो सुनिए, क्या कहना चाहते हैं। सुनो ना यार, सुन नहीं रहे इनकी। हमें हमेशा मुद्दों से भड़काया जाता है, मुद्दों से ना भटक के जो इस बच्ची घर फिर आओ, फिर चले जाओ, ये एहसान है मीडिया का, हमारे आपके पीछे बैठे हैं मंत्रालय से और हमारी भाई के पीछे बैठ जाओ, उनसे कहिए कि वो खुद आए। अगर वे नहीं आते हैं तो आपको अल्टीमेट दिया जाता है, अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं मिलता है तो पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम करेंगे और सर भी करेंगे, चक्का जाम सर भी करेंगे। जब तक इस बेटी के दरिंदों को फांसी नहीं लग जाएगी, इस बच्ची के अवशेष को हम लेंगे नहीं और इसके दाह संस्कार करेंगे। सांसद साहब, आपकी जान काल में एक बात बताना चाहता हूँ, बेटी को जिंदा जलाया गया, जिंदा मरी नहीं थी वो, किसी भी तरीके से मरी नहीं थी। रुको दी, सुन ले उसकी, सुन ले भाई, अरे कैमरे वालों को बता देंगे, बता हमें कैमरे की।
और आप सारे भीड़ ज्यादा बहुत बढ़िया भाई साहब भीड़ वालों ने बात पहले वो इस तकलीफ में है सर हम सब लोग उसके जो हुआ है उसके लिए बहुत अफसोस है हम शर्मिंदा हैं इस दौर में पैदा हुए हैं जहाँ बच्चियों के साथ ऐसा होता है दूसरी बात अगर फॉर्मेलिटी करनी होती जल्दी जल्दी स्पीड से कल भी मैं आया था लेकिन चले गया मेरा दिल था कि मैं कुछ गवर्नमेंट से बात करके आऊं आज प्रधानमंत्री साहब जी ने टाइम दिया तो मैं वहीं से सीधा आ रहा हूँ उन्होंने ये बोला कि जाके वहाँ एक तो आश्वासन दो कि अब जो पहले हुआ आज रही है देखो मैं सियासतदान नहीं मैं आर्टिस्ट हूँ और आपके भाई के नाते बहुत बढ़िया जो मैं बात यहाँ करूँगा अगर पूरी हुई तो मुझे आने का या दोबारा मिलने का हक है नहीं तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये सिर्फ पूरा मशवरा करके कूल डाउन होके सलाह करके बता दो कि हम एक तो पहला तो मेरा ही है मुझे पूछने की जरूरत नहीं जो दरिंदे हैं उनको अंजाम तक पहुंचाना ये हम सबका है सबका उसके अलावा परिवार के लिए या जो भी आप सोचते हैं वो मेरी ड्यूटी है हम सबकी ड्यूटी है मैं लेके जाऊंगा जहाँ भी एक करोड़ का मुआवजा मकान दिया जाए मीटिंग कर लो सेशन भाई की दलाली है जो आप बोल रहे हो ऐसे नहीं बोलते ये कंपनसेशन है ना सरकार की दलाली बोली है आपको पता पार्लियामेंट सेशन है आज का उन्होंने बोला सारा को छोड़ के इमीडिएटली वहाँ मौके पे जाओ मेरी तरफ से आश्वासन दो कि हमारी बेटी के साथ हुआ है जो हुआ है समाज को पूछो एक एक बात तो पहले मैंने वहाँ बेनती कर दी थी कि वो जो मुजरिम है उनको ऐसी सजा मिले कि पूरे हिंदुस्तान में दोबारा जो सबक मिले उसके अलावा उन्होंने बोला कि उनको बोलो थोड़ा मशवरा करके तो कोऑर्डिनेशन कोई कमेटी थोड़ी बना लें दो चार पांच बंदों की जो आप हुक्म करोगे सारे सवाल वो पूरा होगा हमारी कमेटी आपको दिल्ली के लोगों ने सरकार ताज बनाया पंजाब के लोगों ने आपको हराया हम लोगों ने जीता दिल्ली के लोगों ने जीता और सिर्फ वाल्मीकि होने के नाते जीता और केजरीवाल के चार कैंडिडेट का विरोध करके जीता खुद आप कह रहे आप वाल्मीकि दक्षिण वाल्मीकि सारी बात तो ठीक है लेकिन एक जाति का जो प्रेम होता है खून का जो दर्द होता है वो मौका नहीं है ये बात खून का जो दर्द की बात इस केस की बात कर खून का जो दर्द है ऐसे फट के जाता है आपको जो है आपको खून का दर्द इसलिए आए ठीक है और कोई चुनाव का मंत्री नहीं आया बीजेपी और कोई मंत्री नहीं आया सुनिए मेरी बात है ना आप हाउस में ये बात जरूर उठाए आप अगर हाउस में उठा दें ये बात तो हमें और हम बिल्कुल इस बात को पूरा देश देखेगा और आप लोगों के आगे मोदी सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो आप लोगों को उंगली करते हैं लोग आपके साथ समाज खड़ा होगा आप इसे हाउस में जरूर उठाए हाउस में उठानी चाहिए ना मेरी बात समझ हाउस में उठनी चाहिए वाल्मीकि समाज की आवाज ये सबसे ये तो आप सुनेंगे जी जी मैं वही बोलता हूँ जो कर सकूंगा आप जल्दी सुनेंगे पार्लियामेंट में बाकी आप कोऑर्डिनेशन एक कमेटी बनाओ मेरे भाई कमेटी बनी मीटिंग बना दी तुम पहचान हमारी कमेटी बनी आप टाइम बताइए हम नहीं करने जा बात हमने ज्यादा नहीं कर सकते ये पूरे देश की है पूरे देश की बेटी है देश की बेटी है देश की बेटी है बयान थी वैसे ये बेटी है लेकिन प्रदेश की बेटी इसके लिए पूरा देश लड़ा लेकिन ऐसे ही हम लोग लड़ेंगे कुछ नहीं भी पूरे भारत की मैं पूरे भारत की लेकिन ये भाई सुन लो भाई एक मिनट देश की बेटी जरूर है कमेटी हमारे तैयार है ये देश की बेटी जरूर है देश की बेटी निर्भया थी देश की बेटी बच्ची भी है लेकिन निर्भया के लिए
केजरीवाल ने रात के टाइम ही कोर्ट खुलवाया था, लेकिन आज वो सीएम कुछ नहीं था, वो सीएम आज कुछ नहीं करता, मजबूर मुख्यमंत्री बेटी, अगर देश की अगर ये बेटी है ना तो सारी बेटियों को इक्वल मानते हैं। सीएम साहब कल लाए थे क्या क्या के गए सीएम साहब बोल रहे दस लाख रूपए देने के लिए, सीएम साहब बोलते कंपनसेशन के 10 लाख रूपए, ये कंपनसेशन 10 लाख रूपए की बटवागिरी बंद कर दो, नहीं तो ऐसा सत्ताधारी बनाएंगे इन लोगों को, ये ध्यान रखो 10 लाख रूपए दलाली के नाम से कंपनसेशन का नाम ही दलाली है, नाम क्या है कंपनसेशन, जनता जाग चुकी है देश की बेटी की लड़ाई है और देश की बेटी को 1 करोड़ रूपए हमें पैसा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, आप हमारी कमेटी तैयार है, आप हमारी नहीं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी दिल्ली का चक्का जाम होने वाला है, आप हो तभी तो हमें विश्वास है, पूरी दिल्ली है पूरे भारत का केंद्र, पंजाब बंद नहीं करेंगे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं, पंजाब भी बंद हो, हरियाणा भी बंद होगा, उम्मीद करते मन से और साफ नीति से बात करें, मोदी की तरह काले मन से बात ना करें, मांगे 7 दिन में नहीं होगा तो सारा कुछ, मैं आगे लगूंगा, मुझे कोई शौक नहीं एमपी शैम्पी बनने का रहने का, मैं आगे लगूंगा अगर हफ्ते में ना। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो